नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं। आज के वीडियो में लाइक का एम रखते हैं 1000 का, उम्मीद है कि आप इसे पूरा जरूर करेंगे। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश आज सुबह की बड़ी खबरें। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, रायसेन में बारिश, एमपी के 27 जिलों में आंधी, बारिश और कोहरा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सर्द हवाओं से ठिठुर रहा है। 24 घंटे में कुल 27 जिलों में हल्की बारिश हुई। ग्वालियर, भोपाल, उज्जैन समेत 21 शहरों में मध्यम से घना कोहरा रहा। इनमें शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, शाजापुर, देवास, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, हरदा, नर्मदापुरम, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिले शामिल हैं। सागर, दमोह, कटनी, पन्ना, सतना, रीवा और मऊगंज जिलों में भी मौसम बदला रहा। भोपाल में प्रदेश की बनेगी पहली माइक्रोबायोलॉजी लैब। आपको बता दें, अब प्रदेश में ही दूध, पानी, दही, मीट, पनीर, फल, सब्जियों तथा खराब खाद्य पदार्थों में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस की जांच हो सकेगी। भोपाल में प्रदेश की पहली और देश की 35वीं माइक्रोबायोलॉजी लैब बनेगी। सीएम आज ग्वालियर में 10,000 करोड़ के 7 प्रोजेक्टों में देरी की करेंगे समीक्षा। आपको बता दें, 25 दिसंबर के बाद 11 दिन में दूसरी बार ग्वालियर आ रहे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ग्वालियर आ रहे हैं। वह यहां ग्वालियर संभाग के जिला पुलिस, नगर निगम व अन्य विभागों के अधिकारियों से विकास और कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। गुरुवार को शाम को वह 2 अलग अलग बैठक लेंगे, जिनमें से शाम 5:10 की बैठक में मुख्यमंत्री सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा करेंगे। इसके बाद 6:10 की बैठक में विकास कार्य के प्रोजेक्टों की स्थिति जानेंगे। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल होंगे। उक्त बैठक में अधिकारी 10,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा मेहर शारदा मंदिर धाम। कृष्णा गौर ने कहा, सीएम मोहन यादव के सामने रखेंगे प्रस्ताव। आपको बता दें, मोहन सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा गौर मंत्री बनने के बाद पहली बार मेहर पहुंची और यहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन कर विधि विधान से पूजा की। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि वो मायके दरबार में उनकी बेटी बनकर आई हैं और अब उनकी कोशिश रहेगी कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है वो उसे पूरी निष्ठा से पूरी करें। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनका पहला प्रयास रहेगा कि उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर शारदा मैया के मंदिर को पवित्र धाम बनाया जाए और इसके लिए वो मुख्यमंत्री के सामने प्रस्ताव रखेंगी। उज्जैन में 7 जनवरी को होगा देश के सबसे स्वच्छ और स्वस्थ फूड हब प्रसादम का शुभारंभ। मिलेंगे मालवी व्यंजन। आपको बता दें, महाकाल क्षेत्र में जब से महाकाल लोक का विस्तार हुआ है तब से यहां पर्यटकों का आना जाना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। यहां पर देश के सबसे स्वस्थ और स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब अवंतिका प्रसादम का निर्माण भी किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया 7 जनवरी को उसका उद्घाटन करने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का दौर जारी है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया जा रहा है। देश में फिर से पांव पसार रहा कोरोना वायरस, 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत। आपको बता दें, भारत में कोरोना वायरस फिर से पैर पसार रहा है और मामलों में इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज बताया कि पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 760 नए मामले दर्ज किए गए, साथ ही कोविड-19 से 2 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि नए मामले सामने आने से देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,423 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार 24 घंटे में केरल और कर्नाटक से एक एक मरीज की मौत हुई है। पूछताछ के बहाने ईडी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया जो ईडी के 3 समन जारी होने के बाद लगातार पूछा जा रहा था। केजरीवाल ने बताया कि आखिरी 3 समन जारी होने के बाद भी वे ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हुए। उन्होंने ईडी के समन को गैरकानूनी करार देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले जांच एजेंसी उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा, शराब घोटाला आपने पिछले 2 साल में यह शब्द कई बार सुना होगा, लेकिन इन 2 सालों में जांच के बाद भी कहीं से एक पैसा नहीं मिला। अगर घोटाला हुआ है तो पैसे गए कहाँ? क्या पैसा हवा में गायब हो गया? आपके कई नेताओं को जेल में रखा गया है। अब बीजेपी मुझे झूठे आरोप लगाकर मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मुझे समन भेजे गए, मेरे वकीलों ने बताया कि ये समन गैर कानूनी है। साइबर अपराध रोकने प्रदेश में खुलेंगी 1000 साइबर डेस्क। आपको बता दें, साइबर अपराधों को लेकर अब प्रदेश में 1000 साइबर डेस्क खोलने की तैयारी की जा रही है। प्रत्येक जिले के हर थाने में साइबर डेस्क होंगी, जहां आधुनिक संसाधनों के साथ सुनवाई व इन्वेस्टिगेशन के लिए तकनीकी रूप से एक्सपर्ट अधिकारी व कर्मचारी रहेंगे, ताकि साइबर अपराध के शिकार लोगों की शिकायत पर तत्काल सुनवाई शुरू हो सके। फर्स्ट फेज में उज्जैन जिले को भी साइबर डेस्क के लिए शामिल किया गया है। आजकल में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी, कई जिलों के कलेक्टर एसपी बदलेंगे। आपको बता दें, प्रदेश के अगले 2 दिनों में कई जिलों के कलेक्टर और एसपी बदले जाएंगे। यह पदस्थापना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नवनियुक्त मंत्रियों की तवज्जो को ध्यान में रखते हुए की जाएगी। पिछले 1 सप्ताह में सरकार 6 जिलों में कलेक्टर और 2 जिलों में एसपी बदल चुकी है। इसके साथ ही फील्ड में पदस्थ राज्य पुलिस सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों के भी तबादले हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ संभागों के आयुक्त और रेंज आईजी व डीआईजी भी बदले जा सकते हैं। आईजी और डीआईजी के प्रमोशन के बाद तबादले ड्यू भी हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर जैसे महानगरों की तर्ज पर तमिलनाडु की स्मार्ट सिटीज में होगा विकास। आपको बता दें, देश में स्मार्ट सिटीज को लेकर सबसे बेहतर काम मध्य प्रदेश में हुआ है, इसलिए वर्ष 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटीज वाले राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं इंदौर देश की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी चुनी गई है। इस सफलता को देखते हुए तमिलनाडु भी अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर काम करना चाहता है। इसके लिए तमिलनाडु सरकार अधिकारियों का एक दर्ज मध्य प्रदेश भेज रही है, जो भोपाल व इंदौर शहर में चल रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे। इनसे सीख लेकर बेहतर प्रोजेक्ट को तमिलनाडु की स्मार्ट सिटीज में भी लागू किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने तैयारी प्रारंभ कर दी है। 6 जनवरी से विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लिए जाएंगे। इसके साथ साथ घर घर संपर्क अभियान चलेगा, जिसमें उन मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने 75% से कम मतदान वाले विधानसभा क्षेत्रों के लिए विशेष अभियान चलाने की कार्य योजना बनाई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 19 फरवरी से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जाएगा। यह ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग के साथ द्वारका एवं शिरडी यात्रा के लिए रवाना होगी, जो जबलपुर से शुरू होकर नरसिंहपुर इटारसी नर्मदापुरम रानी कमलापति स्टेशन भोपाल सुजालपुर उज्जैन देवास इंदौर एवं रतलाम स्टेशनों से होते हुए जाएगी, जहां से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती के सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में जबलपुर के शक्ति भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। मंत्रिपरिषद द्वारा जनहित के विभिन्न निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी और रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके सम्मान में पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया है। रानी अवंतीबाई लोधी सम्मान और रानी दुर्गावती सम्मान हर वर्ष दिया जाएगा। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष कर सफल होने वाली समाज सेवी महिलाओं को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, 15 जनवरी तक थानों की सीमाओं का करें निर्धारण। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर संभाग की कानून व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जिलों में पुलिस थानों की सीमाओं का निर्धारण 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाए। इसके लिए SDM स्तर पर सभी जनप्रतिनिधियों की बैठक में विचार विमर्श कर थानों की सीमाओं के प्रारंभिक निर्धारण के बाद दावे आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार 15 जनवरी तक सीमा निर्धारण संबंधी सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर है, जबलपुर के नए कलेक्टर होंगे दीपक सक्सेना। शीतला पटले को नरसिंहपुर कलेक्टर बनाया।
आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संभागीय समीक्षा बैठक के दूसरे दिन जबलपुर कलेक्टर को हटा दिया गया है। कलेक्टर सौरभ सुमन को अपर सचिव बनाया गया है, जबकि संचालक खाद्य दीपक सक्सेना को जबलपुर कलेक्टर बनाया गया है। इसके अलावा नरसिंहपुर कलेक्टर के पद से हटाई गई रिजू बाफना की जगह शीतला पडले को नरसिंहपुर का नया कलेक्टर बनाया है। राज्य शासन की ओर से इनका आदेश भी जारी कर दिया गया है। नरसिंहपुर के तत्कालीन कलेक्टर किशोर कन्याल को ड्राइवर को औकात बताने वाले बयान के बाद हटा दिया गया था। उनकी जगह रिजू बाफना को भेजा गया था। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिए।